क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है, यानी यहाँ भी हमें बोडमास रूल को अप्लाई करना है। बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम डिविजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5.4 को जब डिवाइड करेंगे 4.5 से, तो पॉइंट से पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी ये है 54 डिवाइड बाय 45, 6 4 54 9 5 45, यानी ये लिखा है 6/5। फिर हमने क्या किया कि 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दिया, इससे 5 × 2 = 10 बन जाए और ये क्या है 12, यानी 12/10 जो वैल्यू होगी किसके इक्वल 1.2 के, और 1.2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये वैल्यू आएगी 2.4, यानी जो राउंड यानी छोटा ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2.4। 7.5 + 2.4 -8 × 4 / 3.2। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना है, हमें 3.2 को लिख लिया 32/10 लिख ही सकते हैं हम, और हमने क्या किया कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया, जिससे जो 3.2 यानी 32/10 है वो क्या हो जाएगा 10/32। तो 7.5 + 2.4 - 8 × 4 × 10/32, 8 × 32 होता है, 8 × 32 होता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी 7.5 + 2.4 - 10 हो गया। अब बस हमें प्लस माइनस करना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा जब तो ये आ जाएगा 9 और 9, यानी 9.9 - 10, तो आंसर कितना हो जाएगा -0.1।